हैं Ghamasan.com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हम आए हैं डॉक्टर सविता राव मैम के यहाँ. ये जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हम इनसे जानेंगे इनके कुछ एक्सपीरियंस और इनका मरीजों को इलाज देने का तरीका. मैम, अपोलो हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, हार्ट के पेशेंट जो आपके पास आते हैं, उनको आपका इलाज करने का तरीका अच्छा लगता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? आई थिंक जब एक पेशेंट हमारे पास आते हैं और ख़ास करके हमारे फील्ड में जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है, तो आमतौर पे हार्ट अटैक के पेशेंट्स जब आते हैं तो पेशेंट और उनके फैमिली वाले बहुत परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और एक ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है, तो वो परेशान रहते हैं. तो उस वक्त उनको एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड और एक हेल्पफुल एटीट्यूड की ज़रूरत रहती है, जो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करें, बिकॉज दे आर वेरी स्केयर्ड एट दैट मोमेंट एंड साथ साथ तकलीफ भी बहुत रहती है. तो हम एक अंडरस्टैंडिंग और एक हेल्पफुल एटीट्यूड उनको देते हैं, मेरे ख्याल से इसलिए उनको पसंद आता है. और मरीजों का कम खर्च में इलाज हो जाए, ये चीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि उनको कम खर्चे में अच्छा इलाज मिल सके, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी एक एक्यूट एमरजेंसी होती है, हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे हैव गॉट मेडिक्लेम मोस्ट ऑफ द पीपल देयर, बट इन इंडिया हर पेशेंट को खुद ही अफोर्ड करना होता है. तो हर व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि अचानक इमरजेंसी हो तो वो अफोर्ड कर पाए ट्रीटमेंट को. सो एट अपोलो, बेसिकली अपोलो की जो एम है कि अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी, तो हमारी एम यही रहती है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले. तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो चीपेस्ट पैकेज पॉसिबल है उसमें हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर लें ताकि वो ठीक हो जाए. ऐसा क्या किया जा सकता है कि मरीजों को कम खर्च में इलाज मिल सके? अच्छा, देखिए, हमारे देश में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने रन की है ताकि जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जो पेशेंट्स पुअर पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं. BPL स्कीम्स होती हैं, फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड वाली स्कीम्स होती हैं, फिर छोटे बच्चों के लिए जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है उनके लिए भी स्कीम्स होती हैं. तो ये सारे स्कीम्स के थ्रू जो पेशेंट्स को ज़रूरत है उनको यू कैन से ऑलमोस्ट फ्री में उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, सर्जरीज हो जाती है, एंड दे आर वेरी मच बेनिफिटेड बाई इट. तो ये सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने रन की है, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होता है. वी एज डॉक्टर्स, जो भी पेशेंट हम देखते हैं अफोर्डिंग नहीं होते हैं और उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो हम उनको इन स्कीम्स के बारे बता के इनको ज़रूर एस्टिमेट दिलवा देते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट हो पाए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस. तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल जाए. डॉक्टर्स का मरीजों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं सिर्फ मैं ही नहीं, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर टेक्नीशियन, हर पैरामेडिकल स्टाफ जो इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, तो वी मेक अ प्रॉमिस. एक प्रॉमिस हम अपने आप से करते हैं, हमारे पेशेंट से करते हैं कि आज से हमारे लिए पेशेंट ही पहले होगा. हम अपने आप को सेकेंड देखेंगे और सबसे पहले पेशेंट को ही देखेंगे, ये हम एक प्रॉमिस करते हैं. कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये सोच के नहीं आता है कि उसे पैसे कमाने हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो भी आता है वो ये सोच के आता है कि मुझे सर्विस करना है, क्योंकि ये एक 24/7 जॉब है. आपके बीच रात में अगर कॉल आई तो आपको आना है. आप उस वक्त नहीं देखेंगे कि मेरा बच्चा छोटा है कि कोई नहीं है उसको देखने वाला, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है. अगर आपको कॉल आया, इमरजेंसी है, तो आप आएंगे. सो इट इज़ अ 24/7 जॉब. इस जॉब में एक पैशन होती है, एक जील होती है, एक दैट एटीट्यूड इज देयर, दैट फीलिंग इज देयर ऑफ सर्विस टू द पेशेंट, एंड पेशेंट फर्स्ट इज द मोटो. तो हर डॉक्टर की यही एटीट्यूड रहती है कि हमने इस प्रोफेशन में जब हम आए हैं तो हमें सर्विस करना है, एंड पेशेंट इज ऑलवेज फर्स्ट. तो इस चीज़ को हम लोग सब याद रखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू डू वेल विद आवर पेशेंट्स. को कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आप कहें तो वी बिकम डॉक्टर्स जब हम MBBS पास करते हैं, तो उस समय से ही हमें डिग्री मिलती है. दैट वाज वे बैक इन 1998.
सो ऑफकोर्स उसके बाद मैंने MD DM ये सारी चीज़ें की हैं, बट देन यू बिकम अ डॉक्टर व्हेन यू पास योर MBBS, एंड दैट वाज इन 1998, सो इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा कुछ केस आया हो जिसने आपको परेशान किया हो आपकी अभी तक की पूरे टाइम? किस तरीके से परेशान? मीन्स किसी की तकलीफ ने आपको भी हर किसी की तकलीफ देती होगी, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस रहा हो आपको जो बुरा रहा हो? इस प्रोफेशन में मैं कहूँगी कि देखिए, बहुत बार जब आप पेशेंट को बचाना चाहते हैं, हर बार आप सक्सेस नहीं करते हैं। वो हमें यही दिखाने के लिए है कि वी आर नॉट गॉड, हम डॉक्टर हैं आपके जैसे, हम भी इंसान ही हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट को ठीक करें। 90-95% ऑफ द टाइम हम लोग सक्सीड कर जाते हैं, लेकिन हमारी मर्जी से ऊपर एक भगवान की मर्जी भी होती है। तो जब पेशेंट नहीं बच पाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बट लकीली एटलीस्ट 95-98% ऑफ द टाइम हम लोग वी आर एबल टू डील वेल विद द पेशेंट। पेशेंट गोज होम हैप्पी क्योर्ड, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग कुछ भी नहीं होता है कि जब आपका पेशेंट उठ के चल के ठीक होके जाता है। दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट मोमेंट फॉर मी, एंड इट हैपेंस एवरी टाइम दैट पेशेंट गेट्स क्योर्ड, आई फील वेरी हैप्पी। दुख सिर्फ तब होता है जब पेशेंट ठीक नहीं होता। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.